हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 3 मूवमेंट ऑफ द अर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गति, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्लियर देर वॉज अ बिलीव दैट अर्थ वॉज स्टेशनरी एंड द हेवनली बॉडीज मूव्ड अराउंड इट। हाउएवर इट वॉज प्रूव्ड बाई अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस दैट द अर्थ स्पाइंस अराउंड इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज मूव्स अराउंड द सन। देयरफॉर देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो पहले पूर्व में ऐसा विश्वास किया जाता था कि अर्थ समतल है, फ्लैट है और वो घूमता नहीं है, लेकिन ऐसा विश्वास किया गया कि अर्थ एक हेवनली बॉडी है। अर्थ एक हेवनली बॉडी, दैविक शक्ति है, दैविक बॉडी है और जो घूमता है। और इसको प्रूफ कर दिए, कौन प्रूफ किए? निकोलस कॉपरनिकस, कि अर्थ अपने एक्सिस पे, अपने कील पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक अपने कील पे, जिस तरह से लट्टू होता है और लट्टू अपने कील पे घूमता है, उसी तरह से अर्थ भी घूमता है सूरज के चारों तरफ। और इसका जो मूवमेंट होता है दो प्रकार का होता है, एक रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन के कारण, रोटेशन क्या होता है कि एक 24 घंटा में एक बार रोटेशन करता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। रिवॉल्यूशन क्या होता है कि रिवॉल्यूशन एक साल में, मतलब 365 दिन में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, जिसके कारण सीजन चेंज होता है। तो चलिए डिटेल में हम लोग जानते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं। सबसे पहले रोटेशन, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड पासेस थ्रू द नॉर्दर्न एंड साउथर्न पोल। अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है और नॉर्दर्न एंड साउथर्न पोल। जैसे देखिए, नॉर्दर्न पोल अर्थ गोल होता है, इसके एक्सिस इधर होता है, नॉर्दर्न पोल एंड साउथर्न पोल। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। इस मोशन को जो अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस पर घूमता है, इस मोशन को रोटेशन कहा जाता है। दिस रोटेशन इज कंप्लीटेड इन 24 आवर्स और अ डे एंड इज कॉल्ड द मोशन ऑफ द अर्थ। ये जो रोटेशन होता है 24 घंटा में एक बार कंप्लीट करता है, जिसको 24 घंटा को एक दिन कहा जाता है और इसको मोशन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। दिस मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वेरेंस ऑफ डे एंड नाइट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट हैज़ सेट अ बिलीफ फॉर मैन दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इस मूवमेंट के कारण लोगों में ऐसा विश्वास हो गया, प्रूफ हो गया कि सन पूरब की दिशा में उगता है और पश्चिम में डूबता है। और इस रोटेशन के कारण ही दिन और रात होता है
और 24 घंटे का एक दिन होता है और रोटेशन 24 घंटा में एक बार कंप्लीट होता है। इस रोटेशन को मोशन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल और अर्थ एक्सिस, ये अर्थ का एक्सिस जो घूमते रहता है, साथ में साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल होता है और अर्थ का ये रोटेशन होता है और ये सन का राइज, जैसे सन इधर से इधर सन है, सन की तरफ घूम रहा है, तो जिधर सन का राइज अर्थ पे पड़ेगा वहाँ दिन, और फिर ऐसे पलट के जिधर इधर, जैसे इधर सन रेज नहीं पड़ा तो इधर रात, और इधर जब जिधर सन का रेज पड़ रहा है उधर दिन होता है, और जिधर सन का रेज अर्थ पे नहीं पड़ेगा उधर रात होता है। सेकंड हो गया रोटेशन। रोटेशन डे एंड नाइट। अर्थ इज अ स्फीयर, ड्यू टू इट्स शेप ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट एट अ टाइम। अर्थ चूंकि गोल है, इसके शेप के कारण सिर्फ आधा ही भाग सन के सामने जाता है। जैसे ये गोल है, इधर सन है, तो सिर्फ इधर वाले भाग में सन रेज जाएगा जिसके कारण इधर दिन होगा, और जिधर सन रेज नहीं जाएगा उधर रात हो जाएगा। द पार्ट दैट रिसीव सनलाइट हैज़ डे, द रिमेनिंग हाफ पार्ट रिमेन्स डार्क नाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, द अदर हाफ रिसीव सनलाइट आफ्टर 24 आवर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन रोटेशन। द रीजन फॉर द टाइम डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एवर नोटिस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11 hours 15 minutes in the timing of the USA and India. If it is 11:30 a.m. in India, it would be 12 a.m. in USA. तो ये रोटेशन के कारण विभिन्न देशों में टाइमिंग का भी अलग अलग अंतर हो जाता है। जैसे अमेरिका और इंडिया में आधा घंटा का अंतर होता है। यदि इंडिया में 11:30 बज रहा है तो अमेरिका में 12 बजेगा। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है, जो ऑर्बिट पे घूमता है सन के चारों तरफ, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन में क्या होता है, एक एक्सिस पे घूमता है। द अर्थ रिवॉल्व अलोंग इट्स ऑर्बिट ओवल इन शेप दैट हैज अ फिक्स्ड पाथ। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इट टेक अबाउट 365 डेज और 1 year टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज एलिप्टिकल नॉट सर्कुलर। तो ये जो रिवोल्यूशन होता है 365 दिन में एक